हे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी आपने हमारी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग 2022, जी हां दोस्तों उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में आज है 9 अक्टूबर, आज की डेट में 3 से 4 बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों आप लोग देखिए, स्टाफ नर्स, NM, GNM, लैब टेक्नीसियन, डॉक्टर्स, ड्रेसर, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। जी हाँ 9 अक्टूबर की बहुत ही बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में, देखिए पैरामेडिकल स्टाफ की तैयार होगी फौज। ब्रिजेश, यहाँ पे देखिए डॉक्टरों के बाद अब नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की फौज दोस्तों तैयार की जाएगी। यह देखिए लेटेस्ट नई अपडेट, नर्सिंग कॉलेजों की कराई जाएगी रेटिंग। मुख्यमंत्री योगी बोले मिशन निरामया से होगा प्रदेश के नर्सिंग व पैरामेडिकल सेक्टर का कायाकल्प। CSC PSC के डॉक्टर कर्मचारियों की छुट्टियां यहां पे निरस्त है। तो एक एक करके दोस्तों हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आज है 9 अक्टूबर, आज की डेट में दोस्तों उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में 3 से 4 बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसकी जानकारी दोस्तों हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर पर मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा और आपको बता दूं अमर उजाला, हिंदुस्तान, ई पेपर, दैनिक जागरण में दोस्तों इस न्यूज़ को यहाँ पर कवर किया गया है। तो एक एक करके जाके आप लोग चेक भी कर सकते हो। बाकी सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ दिखाऊंगा, इसके बाद दोस्तों इस न्यूज़ की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो यहाँ पे वॉच करिए। चलिए आपको लेके चलते हैं न्यूज़ पेपर पर। देखिए दोस्तों अमर उजाला की तरफ से नई अपडेट निकल के आ रही है, नर्सिंग व पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना जरूरी। जी हां मुख्यमंत्री ने किया मिशन निरामया का शुभारंभ, प्रशिक्षुओं को नौकरी के लिए संस्थानों व अस्पताल के बीच करार, यहाँ पर देखिए नई अपडेट है। चलिए अभी दोस्तों आप लोग देखिए सबसे बड़ी खबर, जी हाँ हिंदुस्तान में निकल के आ रही है। मैंने अमर उजाला का आपको अपडेट दिखा दिया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इमेज शो कर रहा, फोटो शो कर रहा है मिशन निरामया शुभारंभ, यहाँ पे आप लोग देखिए डेट मेंशन किया गया है 8 अक्टूबर 2022। इसके बाद दोस्तों ऊपर यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखोगे तो बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी बोले मिशन निरामया से होगा प्रदेश के नर्सिंग व पैरामेडिकल सेक्टर का कायाकल्प, नर्सिंग कॉलेजों की कराई जाएगी रेटिंग। और सबसे बड़ी अपडेट क्या है यहाँ पर देखिए, मेंटोर के रूप में इन्हें चयनित किया गया है। 1 नंबर 1 रुहेलखंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग बरेली, 2 UPUMS फैकल्टी ऑफ नर्सिंग सैफई इटावा, इसको भी दोस्तों क्या किया गया है मेंटोर के रूप में चयनित किया गया है। और रुहेलखंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग को भी चयनित किया गया है और UPUMS को भी यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। 3 शारदा स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंस GB नगर, जी हाँ इसे भी सेलेक्ट किया गया है। 4 कॉलेज ऑफ नर्सिंग GSVM कानपुर को भी सेलेक्ट किया गया है। 5 दोस्तों बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड नर्सिंग लखनऊ, इसे भी सेलेक्ट किया गया है। 6 देखिए फैकल्टी ऑफ नर्सिंग सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ को सेलेक्ट किया गया है। 7 हिलेरी क्लिंटन नर्सिंग स्कूल सहारनपुर को सेलेक्ट किया गया है। एल एल आर एम मेरठ को भी सेलेक्ट किया गया है। 9वां है गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गोरखनाथ को भी यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गोरखपुर। 10 SDPM कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोंडा को सेलेक्ट किया गया है। 11 IIMT मेरठ को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। और 12 नाइटिंगेल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गोंडा को भी यहाँ पे, नोएडा को भी यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पे नोएडा है, गोंडा नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी अपडेट, पैरामेडिकल स्टाफ की तैयार होगी फौज, यहाँ ये बड़ी अपडेट है। यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जो कि उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक ने कहा अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। डॉक्टरों के बाद अब नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की फौज तैयार की जाएगी ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग की पढ़ाई होगी। बाकी नर्सिंग कॉलेजों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा के लिए मिशन निरामया के शुभारम्भ समारोह में स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सचिव डॉक्टर आलोक कुमार, प्राइवेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय सिंह, महासचिव धर्मेंद्र गुप्ता, जय सिंह, डॉक्टर सुधीर चौहान, डॉक्टर नीरज वशिष्ठ, देवेंद्र सिंह, डॉक्टर गायत्री सिंह, डॉक्टर आर्यस दुबे, राजेश गुप्ता, अशोक जैन, संदीप गोयल एवं नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक उपस्थित यहाँ पे रहे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग अच्छे से चेक कर लो, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे बोला जा रहा कि CM ने यह बातें शनिवार को SGPGI परिसर में मिशन निरामया
इंडिया अभियान का औपचारिक शुभारंभ करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि 90 के दशक में करियर के लिहाज से अगर आईटी सेक्टर सबसे प्राइम माना जाता था, तो आज के दौर में नर्सिंग और पैरामेडिकल क्षेत्र शानदार अवसरों से भरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के नहीं बल्कि जो यहाँ पे देखिए क्या हुआ ना कि यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के नहीं होने के होने का ही परिणाम रहा कि नर्सिंग स्टाफ के लिए राज्य सरकार ने 4,700 पदों पर भर्ती निकाली। आवेदन आए 1,02,000 लेकिन पास हुए केवल 3%, जिसमें से दोस्तों पास हुए केवल 3%। नियुक्ति लायक 2200 ही मिले। 12 संस्थानों का चयन कर उन्हें मेंटोर बनाया जा रहा है। यह संस्थान अन्य नर्सिंग कॉलेजों को बेहतर होने के लिए मार्गदर्शन कराएंगे। ये दोस्तों आप लोगों के लिए बड़ी खबर है, आप लोग इसे अच्छे से देख लो। चलिए दोस्तों दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग देखिए दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, मैं आप लोगों को प्रूफ अभी दिखा दूंगा। CSC PSC के डॉक्टर और कर्मचारियों की यहाँ पे छुट्टियाँ दोस्तों निरस्त कर दी गई हैं। माय सिटी रिपोर्टर लखनऊ शहर में डेंगू मलेरिया व स्वाइन फ्लू के मामलों को बढ़ते देख CSC PSC के सभी डॉक्टर कर्मचारियों की छुट्टियाँ 15 दिन के लिए निरस्त कर दी गई हैं। आपात स्थिति में इनका अवकाश स्वीकृत होगा, जिसके लिए CMO प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि डेंगू के लिहाज से 15 दिन अहम है, इस कारण यह निर्णय लिया गया है। डेंगू स्वाइन फ्लू पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग कोई मरीज मिलने पर आसपास एंटी लार्वा का छिड़काव करवा रहा है। CMO डॉक्टर मनोज अग्रवाल के मुताबिक आपात स्थिति में ही डॉक्टर कर्मचारियों को अवकाश मिलेगा। यह देखिए दोस्तों नई अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, डेंगू स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले को लेकर दिए गए निर्देश, CSC PSC के डॉक्टर कर्मचारियों की छुट्टियाँ फिलहाल यहाँ पे दोस्तों निरस्त कर दी गई हैं। 15 दिनों के लिए दोस्तों यहाँ पे जो छुट्टियां है निरस्त कर दी गई हैं। ये दूसरी बड़ी अपडेट है। बाकी चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, लखनऊ रविवार 9 अक्टूबर 2022 पेज नंबर 3 पर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आप लोग दोस्तों अमर उजाला ई पेपर लखनऊ सिटी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जी हाँ, अवस्थी से मिले स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ के पदाधिकारियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और समस्याएँ बताई। पदाधिकारियों ने अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स, लैब और एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ECG, डेंटल हाइजीनिस्ट, TB टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन के पदों को भरने की मांग की। इस पर अवस्थी ने आश्वासन दिया कि इस दिशा में कार्य किया जाएगा। उनसे मिलने वालों में महासंघ के महासचिव, यहाँ पे बाकी आप लोग इसे अच्छे से देख लेना, अशोक कुमार, सुनील कुमार यादव, सरवण सचान, JK सचान, सर्वेश पाटिल, कपिल वर्मा, अरुण अवस्थी, कमल श्रीवास्तव शामिल थे। तो देखिए दोस्तों जो यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार है अवनीश अवस्थी, इन्हें यहाँ पे दोस्तों सौंपा गया है कि जल्द से जल्द भर्तियां की जाए। तो आने वाले समय में दोस्तों जल्द से जल्द यहां पे भर्ती की जाएगी। आप लोग नवंबर तक वेट करिए। बाकी कैसा लगा अपडेट जो बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।